मैं जब ACL सर्जरी करता हूँ तो अब काफ़ी डेवलप हो गई ये चीज़ें। अभी जो लेटेस्ट में हम चेंज कर रहे हैं, हम लोग है ना हैमस्ट्रिंग यूज़ करना बंद कर दिया। भाई लाइफ इज शॉर्ट, अब 3-4 महीने लाइफ के ख़राब कर दो तो आदमी कराता नहीं ये चीज़ें। मेरे को भी कोई बोले कि सर 3-4 महीने काम नहीं करो, घर पर डूबा करो, बाहर में कहीं सर्जरी कराऊंगा ही नहीं। यहाँ पर आदमी अपने कॉम्पिटिशन में आजकल, चाहे गेम हो, स्पोर्ट्स हो या काम हो, वर्क लॉस नहीं हो सकता। तो हैमस्ट्रिंग का आपने देखा होगा कि जब हम हैमस्ट्रिंग का टेंडन लेते हैं तो ये दो पतले पतले टेंडन निकलते हैं। दो पतले पतले टेंडन निकले, वो इतने पतले होते हैं कि वो मजबूत नहीं होते। अब हैमस्ट्रिंग लूँ या पेरोनियस लॉन्गस लूँ मैं एंकल से, वो ट्यूबुलर और पतला ही निकलेगा। तो मैंने अपनी सारी प्रैक्टिस चेंज कर दी है क्वाड्रिसेप्स पे। सो अब बेटा हम है ना क्वाड्रिसेप्स टेंडन लेते हैं। तो ये टेंडन है ना निकालने के लिए बड़ा चीरा लगाना पड़ता है, इससे कम लोग निकालते हैं। हमारे पास एक क्वाड प्रो करके इंस्ट्रूमेंट है जिससे मैं छोटे से चीरे से क्वाड्रिसेप्स निकाल सकता हूँ। अब क्वाड्रिसेप्स का टेंडन एक ही निकलेगा मोटा, उसको फिक्स करने का हमारे पास फाइबर टैप टाइट्रो करके एडवांस बटन है। सो हम एक ही निकालेंगे और मैं है ना चूज़ कर सकता हूँ मुझे किस मिलीमीटर का चाहिए, 8 का चाहिए, 9 का चाहिए, 10 का चाहिए, 11 कितने का चाहिए, मेरे उसमें चूज़ नहीं कर सकता। मैं जो निकल गया वो निकल गया। अब ये क्वाड्रिसेप्स हैमस्ट्रिंग और पेरोनियस लॉन्गस से कहीं ज़्यादा मजबूत होता है। पटेला और क्वाड्रिसेप्स दोनों ही बेस्ट टेंडन है। पटेला टेंडन में इससे नहीं निकालता क्योंकि बड़ा इंसियन लगाना पड़ता है, एंटीरियर नी पेन बढ़ जाता है, रिकवरी स्लो रहती है। अब पैन वर्ल्ड क्वाड्रिसेप्स, तो पटेला टेंडन हैमस्ट्रिंग और पेरोनियस से बहुत ज़्यादा मजबूत है। क्वाड्रिसेप्स भी उतना ही मजबूत है। क्यों? क्योंकि सिंगल निकलते हैं। जो भी चीज़ एक निकलेगी वो मजबूत होगी। जिसको डबल ट्रिपल करने वाली बात हो तो क्यों कर रहे हो, कमज़ोर इसीलिए कर रहे हो ना, तो लॉजिक है। अब सेकंड थिंग हम इसको और इम्प्रूवमेंट के लिए करते हैं कि इसमें जो ऊपर बटन लगा था स्क्रू सर्जरी में, नीचे स्क्रू लगा था, अब दोनों जगह बटन लगते हैं। तो इस क्वाड्रिसेप्स टेंडन के दोनों जगह बटन लगा दिए। जैसे मैंने बटन यूज़ कर लिया दोनों जगह, तो मेरा बोन लॉस कम हुआ, बोन कम काटी, पेन बहुत कम हुआ और मेरी नी की बेंडिंग पहले दिन से आप जो 90 डिग्री पहले तो बैठ तो पाओगे, तो वो पहले दिन से भाग कौन सकता है बेटा। पहले दिन सर्जरी के बाद बैठ दो, बहुत बड़ी बात है। दूसरा पेन नहीं होगा, कंफर्टेबल रहना जरूर रहना लाइफ में। भाई लाइफ इज शॉर्ट, अब 3-4 महीने लाइफ के खराब कर दो तो आदमी कराता नहीं ये चीज़ें। मेरे को भी कोई बोले कि सर 3-4 महीने काम नहीं करो, घर पर डूबा करो, बाहर में कहीं सर्जरी कराऊंगा ही नहीं। यहाँ पर आदमी इतने कॉम्पिटिशन में आजकल, चाहे गेम हो, स्पोर्ट्स हो या काम हो, वर्क लॉस नहीं हो सकता। दूसरा ये वाला भी टेंडन 1.5 महीने लगाएगा चिपकने में और 6 महीने लगाएगा मजबूत होने में। तो वही सब प्रिकॉशन, गिरे तो खराब। तो जो बाहर जो ब्रेस था उसकी जगह अंदर ही ब्रेस बन जाता है, इंटरनल ब्रेस। ये फाइबर टेप अंदर ही ब्रेस, इसको हम अब इस इंटरनल ब्रेस को लगाने के लिए कुछ डॉक्टर्स यहाँ पे गांठ बांध के लगाए थे, जो कि गलत है। इसको फिक्स करना चाहिए एंकर के थ्रू। ये एंकर है, ये इंटरनल ब्रेस को फिक्स करना है। तो अब आपका लिगामेंट बन गया, जैसे बेंडिंग अलाउड है बटन के बाद, वापस टाइट करके अब इसको अंदर ही प्रोटेक्शन, अब अंदर ही जब प्रोटेक्शन मिल गया तो बाहर ब्रेस लगाने की जरूरत नहीं है। ये अंदर का प्रोटेक्शन है ना आजकल दुनिया में हर जगह लग रहा है, हर इसलिए है ना एक अलग वो ही बन गई है कमेटी, इंटरनल ब्रेस साइंटिफिक सोसाइटी मिलान के अंदर। सो कोई भी लिगामेंट इंजरी होती है उसकी सर्जरी होती है, रिपेयर या रिकन्स्ट्रक्शन, उसकी री इंजरी के चांसेस बहुत हाई होते हैं क्योंकि 6 महीने तक वो कमजोर रहता है। अभी आपको री इंजरी होगी, अभी इंटरनल ब्रेस हो तो री इंजरी नहीं, तो ये आपको री इंजरी से बचाते हैं। दूसरा आपको डिप्रेशन में नहीं लाते, आप पहले दिन से बैंड कर सकते हो, बैठ सकते हो, चल सकते हो, घर पे नहीं बैठना, जल्दी ठीक होते हो। सो आपकी मसल्स को जल्दी इंप्रूव करते हैं, आपकी री इंजरी को बचाते हैं और आपको घर पे नहीं बैठने देते। इंटरनल ब्रेस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इनोवेशन इन स्पोर्ट्स मेडिसिन 15 साल से। एवरी राउंड एथलीट इज गेटिंग इंटरनल ब्रेस, एंड ऑफ स्टोरी। मेरे टाइम में इंटरनल ब्रेस आया जब मैंने प्रैक्टिस चालू की 10-12 साल पहले। सो मैं सीख के आ गया बाहर से, मैं करने लग गया। और इसमें एक और बेनिफिट आपके लिए खास कर कि अब आपका जो टनल है वो थोड़ा वाइड हो सकता है। ऑलरेडी उसमें लिगामेंट में पड़ा हुआ है, उसको मुझे फ्रेशन अप करना पड़ेगा। मालूम पड़ा वो 12 mm 13 mm का हो गया, ग्राफ मुझे 11 से ऊपर का मिलेगा नहीं। चाहे मैं कुछ भी निकालूं, मैं उससे निकालूं 12-13 का तो ग्राफ ला नहीं सकता ना, मैं पूरे घुटने में ACL जुड़ा पड़ दूंगा। तो 11 से बड़ा की जरूरत नहीं होती। 12 mm का इतना बड़ा आता है कि पूरा स्टफ हो जाता है, तो 12 mm का ग्राफ नहीं लगना चाहिए, 11 इज मैक्सिमम। इसीलिए कंपनी ने 11 बनाया, 12 बनाया ही नहीं। पर आपकी टनल 11 से ऊपर जा सकती है बिकॉज ऑफ डिवीजन से आपके ऑलरेडी ग्राफ है अंदर, तो ये गैप छूट जाएगा ग्राफ्ट और टनल के बीच में। दिस इज अ कॉज फॉर फेलियर। सो स्क्रू सर्जरी में क्या करते हैं, 2 स्टेज कर देंगे। पहले सब चीजें निकलती है, बोन ग्राफ्टिंग होती है, हड्डी बन जाती है, फिर दोबारा ड्रिलिंग होती है। इसमें बेनिफिट ये कि मैं सिंगल सर्जरी में दोनों चीजें कर सकता हूँ, बोन ग्राफ्टिंग जिसको बोलते हैं बायो ACL। सो बायो ACL इज अ टेक्निक ऑफ बोन ग्राफ्टिंग, तो ये स्क्रू सर्जरी में पॉसिबल नहीं है। तो बायो ACL में हम क्या करते हैं कि मैं जब बोन ड्रिल हो रही ना वहाँ से मैं बोन इकट्ठी कर लेता हूँ। तो आपके अंदर ये तो मिलेगा नहीं मुझे क्योंकि लिगामेंट है, तो मैं आपका बोन ड्राफ्ट लूंगा, कहीं और से बॉडी से, या मैं आर्टिफिशियल बोन ग्राफ्ट ले लेता हूँ, और उस बोन ग्राफ्ट को हम क्या करेंगे जब सर्जरी कर रहे हैं तो मैं टनल्स में इंजेक्ट कर देंगे। ये बड़ा हो जाएगा ना बेटा आपका, फिल कर देंगे बोन ग्राफ्ट एंड देन वी डू एसीएल। बोन ग्राफ्टिंग विद एसीएल बायोएसीएल बोलते हैं, ये सिर्फ इंटरनल ब्रेस सर्जरी में होता है, नॉर्मल सर्जरी में हो नहीं सकता। इसको नहीं लग सकता ना बोन ग्राफ्ट के साथ, बोन ग्राफ्ट भी पतला है चूरा है, इसको तो ढीला पड़ जाएगा। ये सारी चीजें एडवांस फ्रंट है। अब नो हैमस्ट्रिंग ओनली क्वाड्रिसेप्स, फ्लिप कटर यूज करेंगे ताकि बोन कम कटे, दोनों जगह बटन्स लगाएंगे, फाइबर टैप टाइट रोप ताकि बेंडिंग जल्दी आए, जल्दी एक्टिविटी में आए, और जो बाहर का ब्रेस है अंदर ही ब्रेस बना देंगे ताकि री इंजरी के चांसेस खत्म हो। आप बैक टू जिम 6 मंथ्स में जाओ, आप नॉर्मल एक्टिविटी 15 दिन में आप घर से बाहर निकल के घूम फिर सकते हो। आई वांट टू बी इन बेड फॉर 2 मंथ्स। आप बिना ब्रेस के घर पे रेस्ट करो, आराम से दोस्तों से मिलो, घूमो फिरो, पार्टी करो। उसके बाद अगर करना है तो बोन ग्राफ्टिंग में ये चीज डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट ऑल ओवर वर्ल्ड हो चुका है। स्टेप 1, आप अपनी एमआरआई रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप करें। स्टेप 2, मैं आपकी एमआरआई रिपोर्ट को डिटेल में स्टडी करके बताऊंगा कि क्या हम आपको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं या फिर हमें सर्जरी करने की ज़रूरत है। एसीएल इंटरनल ब्रेस सर्जरी और आपके नी में एसीएल के अलावा और क्या क्या समस्याएँ हैं और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। स्टेप 3, जब आप मुझसे मिलने आएंगे तो मैं आपके नी का डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन करूंगा, आपकी फिल्म्स को डिटेल में देखा जाएगा और उसको देखते हुए आपसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस किए जाएंगे। आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी का मैं जवाब दूंगा। एसीएल इंटरनल ब्रेस सर्जरी की रिकवरी आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक के एसीएल विनर ग्रुप में, और देख सकते हैं कैसे एथलीट्स 3 महीने के अंदर रनिंग चालू कर रहे हैं एसीएल इंटरनल ब्रेस सर्जरी के बाद। आज ही अपनी एमआरआई रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप करें।